नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। सभी योजनाओं से वंचित चल रही है गरीब परिवार। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन क्षेत्र के खलसापट्टी गांव में सुमित्रा हैं, जिसे सरकार द्वारा सभी योजना से वंचित रखा गया है। गरीब हैं, जिससे बच्चों को खाने पीने के लिए व्यवस्था किसी तरह से हो जाता है, लेकिन वहीं सर पर छत ना होने से घास फूस में बनी झोपड़ी में कच्चे मकान में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। मोदी सरकार भले लाख दावे करती है गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे, लेकिन उनके लिए किए गए वादे पूरा होता दिख नहीं रहा है। जब गरीब को आवास नहीं मिल रहा है तो अन्य लोगों को कैसे मिल सकता है? देखिए खुटहन से शिवसेंद्र यादव की रिपोर्ट। भैया ये घर द्वार हमारे गिर गया, गरीब आदमी घर द्वार ना बन पावत बा, बाहरे भाग भाग भाई। तो खाना कहाँ बनाती है? खाना ही बाहरे मड़ई में बनाई है। और कोई घर नहीं आपका? ना ही कोई घर नहीं है। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। किस गाँव से? किस गाँव से हैं आप? खलसापट्टी। पावर ग्रिड ने 1,87,00,000 मोगा के स्कूल में लगाए। जी हां, पंजाब के मोगा जिला में पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से मोगा के सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो मेन बाजार में है, मोगा में है, उसको पूरा एक बिल्डिंग का ब्लॉक बना के दे रहा है, जिसमें 16 कमरे हैं और 7 बाथरूम अलग से बनाए गए हैं। आज पहली मंजिल के 5 कमरों का लेंटर डाला गया है, बाकी कमरे बनकर तैयार हैं। वहाँ जाकर पता चला यह पूरा ब्लॉक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल को प्रदान किया जाएगा, जिसका काम लगभग 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जहां कंपनी के मदनलाल, कमोज कौशल और श्यामा मलिक भी मौजूद रहे। देखिए पंजाब के मोगा से चरणजीत सिंह की रिपोर्ट। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा यह प्रोजेक्ट जिहड़ा है 1,87,00,000 रुपए का मोगा नूं दिता गया है, जिहड़ा कि लगभग 1 महीने दे विच कंप्लीट हो जाएगा, जिहदे विच सारियां सहूलतां, बाथरूम, पक्खे, लाइटां, बेंच, बैदी, ए टू जैड कंप्लीट करके जिहड़ा हैगा प्रोजेक्ट जिहड़ा हैगा उह दिले चढ़ाया जाएगा। थैंक्स करते हैं असीं पावर ग्रिड कारपोरेशन का और इन्हां दे अधिकारियों का, खास करके साढ़े नाल मौजूद हैगे आ, पसीनों पसीनी खुद हो रहे हैं। कई बार असीं देखते हैगे आ भी अपने काम की खातर भी बंदा अगे हायर कर लैंदा हैगा भी असीं अपने मुलाजम रख लैंदे आ, बट ये खुद आप अपनी निगरानी के अपनी सुपरविजन के जोड़ा है वह एक सरकारी काम नेपरे चढ़ा रहे हैं। थैंक्स सर, थोड़ा पूरी टीम का थैंक यू जी। फास्ट न्यूज़ इंडिया वालों परमात्मा थोड़ी चढ़ती कला के रखे, थैंक यू। फास्ट न्यूज़ इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। अगर अं खड़े हाँ मोगा के सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल विखे, जिथे पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा एक प्रोजेक्ट जिहड़ा हैगा वह चलाया जा रहा है, जिहदे विच 16 कमरे जिहड़े हैगे आ स्कूल दी बिल्डिंग नूं बना के दिते जा रहे हैं, जिहदे विच असीं कैमरामैन नूं बेनती करांगे कि दिखाउण उह प्रोजेक्ट नूं। इह जो प्रोजेक्ट चल रहा है टोटल 16 कमरे जिहड़े हैगे आ उह बना के दिते गए हैं, जिहदे विचों अज 5 कमरियां दा लेंटर जिहड़ा हैगा दूसरी मंजिल दा जिहड़ा हैगा उह लेंटर पाया जा रहा है। देखो सारे पास जिहड़ा हैगा बजरी आ, सीमेंट आ, सरी आ, लेबर काम कर रही है। तो ये एक बहुत ही वधिया उपराला है पावर ग्रिड कारपोरेशन का, जिन्ह ने यह प्रोजेक्ट जिहड़ा हैगा वह लगभग 1,87,00,000 रुपए, तुहानू असीं दोबारा तो दस रहे हैं 1,87,00,000 रुपए का यह प्रोजेक्ट मोगा के सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल नूं पास किया है और कोले खड़ के कंपनी के नुमाइंदे जिहड़े हैगे वह काम करवा रहे हैं। तो साढ़े नाल मौजूद है कंपनी के नुमाइंदे, आओ तुहानू असीं उन्हां अधिकारियों के नाल मिलाउणे आ जिन्हां ने यह अज यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। स्वागत है जी तुहाडा फास्ट न्यूज़ इंडिया दे विच। सर जी प्रोजेक्ट यह चल रहा है, ये स्कूल वालों तुहानू रिक्वेस्ट बेनती की गई थी कि तुहाडी कंपनी वालों अपने आप ही जिहड़ा हैगा बच्चों की भलाई वास्ते बचा गया। हम लोग कभी कभी कोई स्कूल में जाके कुछ प्रोग्राम करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान ऐसे, विजिलेंस अवेयरनेस वीक तो हम लोग करते हैं, तो ऐसा एक प्रोग्राम के लिए हम 2018 में स्कूल में आए थे। तो उस समय ये दो बिल्डिंग था, इधर वाला और उधर वाला बिल्डिंग बहुत ख़राब हालत में था। ऐसे प्रिंसिपल साहब के साथ बैठते समय बात हुई कि अगर ये तोड़ के नया बिल्डिंग बन सकता, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड डेंजरस, नॉट सेफ, तो बोला अगर हो सकता है तो आप ट्राई करिए। तो हमने उस समय ऑलरेडी सिंगावाला का प्रोजेक्ट मेरा सैंक्शन हो चुका था करीब 62 लाख का, तो वो मैं फिर दोबारा इसका प्रोजेक्ट बना के भेजा, तो 1,87,00,000 का प्रोजेक्ट हमारा कंपनी दिल्ली से गुड़गांव से सैंक्शन हो गया। इसके लिए हमारे जम्मू ऑफिस बहुत हेल्प किया हमको, और हमारे जो सिविल इंजीनियर्स है इधर, ये सिविल इंजीनियर्स
इसको बनाने में, प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी हेल्प किया। तो उसके बाद तो सैंक्शन हो गया, हमने टेंडर किया, तो उसके बाद चल रहा है। पहले बीच में हमारा कोविड के लिए थोड़ा काम बंद हो गया 3-4 महीना, बट अभी वो पूरा जोर से चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम अब 1 महीना में हम उसको फाइनल फिनिश करके दे देंगे। सर ये 16 कमरे हैं, उसके साथ हम एक एक कमरे में 60 बच्चे बैठने के लिए 20 बेंच है, 320 बेंच है जो हमने खादी मोहाली से खरीदे हैं। और टॉयलेट, 2 टॉयलेट हैं, ऊपर में 4-4-8 और नीचे 4-4-8, 2 टॉयलेट बिल्डिंग है। और उसके साथ जो भी एक्सेसरी है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक महारत्न कंपनी है और ऑल ओवर इंडिया में CSR के तहत बहुत स्कूल में, हेल्थ में बहुत काम करते हैं। हमने भी यहाँ सिविल हॉस्पिटल के लिए काफ़ी काम किए, अभी हाल में करीब 1,90,000 का सामान हमने जस्ट दिया है, पिछले हफ्ते ही दिया है उसके लिए। की संदेश की देना चाहोगे तुम साढ़े चैनल के थ्रू, जोड़ा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जोड़े है वो कई स्कूलों के सहूलतों की घाट हैगी है, होर भी संस्थावान अगे आना चाहिए है। कटते हैं हमारी संस्था तो कटते ही हैं, बाकी संस्था भी CSR के अंडर में काफ़ी काम करते हैं। अब जो थोड़ा अच्छा पोजिशन में है वो अगर थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एजुकेशन और हेल्थ के लिए, तो हमें करना चाहिए, हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि एजुकेशन और हेल्थ पर थोड़ा आम आदमी को, थोड़ा गरीब आदमी को थोड़ा ज़्यादा मिले। तो ये प्रोजेक्ट जोड़ा है तो आप खुद कोले खड़ के काम करवा रहे हो, तो निगरानी के चल रहा है, पूरा सही माल पै रहा है, सरिया है, सीमेंट है, बजरी है, रेता है, पूरा वधिया तसली बख्श, किन्नी हिसाब के लाइफ हो सकती है। ये पावर ग्रिड का अपना स्टैंडर्ड फिल क्वालिटी प्लान है, ये ऑलमोस्ट इंडिया का सबसे बेस्ट माना जा सकता है। ये हम लोग जहाँ भी काम करते हैं हमारा अपना स्टैंडर्ड है, जैसा यहाँ पे आज हम लोग जो भी वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग देखा कि 517 बैग हमको सीमेंट लगना चाहिए, तो हमने ऑलरेडी आप देखिए 537 20 बैग हमने एक्स्ट्रा निकाल के रखा है ऑलरेडी, वो सारा सीमेंट डालेंगे उसके बाद ही हम जाएंगे। और साथ में बच्ची का क्वालिटी आप देखिए, हमारा ईच एंड एवरी लेवल में टेस्ट होता है, इसका भी हम ट्यूब डालेंगे, उसको हम अपना पर्सनल, हम लोग अपना ऑडिट का लैब है चंडीगढ़ में, वहाँ जाके हम लोग टेस्ट कराएंगे। तो ये हमारा फिल्ड क्वालिटी प्लान बहुत स्ट्रिक्ट है और इसीलिए हम लोग सारे पॉलिट के लोग खड़े। इस तो अगे का की प्लान है, ये तो होर किसे जगह पे जी है की प्लानिंग है फिर कर दे सकते हो? अभी हम बाकी कुछ छोटा मोटा स्कूल में भी कुछ काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली बुद्धे वाला स्कूल में हमने एक बाथरूम बनवाया, फिर सादा वाला बस्ती में भी हमने एक बच्चों के लिए सेट बनाया। अभी हमारा और कुछ प्रोग्राम है जो हम करें, एकदम मेजर प्रोजेक्ट का भी फिलहाल मेरे हाथ में कोई नहीं है, बट हम लोग करेंगे। प्राथमिक विद्यालय में कोविड-19 का कैंप लगा। जी हां, यूपी के बस्ती जिले के ग्राम सभा अकेला कुबेरपुर के प्राथमिक विद्यालय पर कोविड-19 का कैंप लगाकर प्रमोद कुमार LT, विक्रम कुमार LT, लेखपाल देवेंद्र बहादुर और सिपाही सनी कुमार गौड़, आशा बिंदु कुमारी एवं श्वेता अथवा प्रधान के देखरेख में कोरोना संक्रमण का जांच कराया गया। देखिए अकेला से अशोक कुमार की रिपोर्ट। यहाँ हम बस्ती जिले के अकेला कुबेरपुर के ग्राम सभा अकेला कुबेरपुर के प्राथमिक विद्यालय में पहुँचे हैं और यहाँ कोविड-19 का कैंप लगाया है, जो कि यहाँ प्रमोद कुमार, विक्रम कुमार अथवा प्रधान जी द्वारा कराया जा रहा है। और यहाँ हम चलते हैं कि इनसे पूछते हैं, सर आपका नाम? प्रमोद कुमार। सर ये कैंप किस चीज़ का? ये कोविड-19 जाँच के लिए है और ये कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक यहाँ DM साहब का आदेश नहीं मिला, तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आप आइए अंकल, यहाँ बोलिए कोरोना भाई को नया हमें क्या चीज़ चेक कराओ। हाँ चाची आओ, ज्यादा ज्यादा चेक कराओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। नाम क्या आपका? नाम आरती लिखे सर, एक नाम नोट करिए। सरकार का कोई सुविधा नहीं मिल सका गरीब को। जी हाँ, यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन क्षेत्र के खालसापट्टी गांव निवासी बनारसी लाल गुप्ता के पास रहने के लिए आवास नहीं है, छप्पर में रहकर गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। सरकार का कोई सुविधा नहीं मिल सका है, शौचालय, बिजली कनेक्शन, गैस सरकार के खाते में, उनके लिस्ट में इनका नाम गरीबी रेखा के नीचे दर्ज है। इनका अंत्योदय कार्ड भी बना हुआ है, इसके बाद भी इसे अनदेखा किया जा रहा है। ये छप्पर में अपने परिवार को रहकर गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं।
इन्होंने कई बार आवेदन भी कराया है कि वृद्धा पेंशन और एक आवास मिल जाता तो हमारा जीवन का गुजर बसर हो जाता। देखिए खुटन से शिवसेंद्र यादव की रिपोर्ट। हाँ नहीं है आपको सब कुछ, हमको घर द्वार है नहीं, एकदम छप्पर में लेके हम बाटी बाल बच्चा अपना। सरकार को से कोई सुविधा मिल जाए तो घर द्वार बन जाए। आप सरकार से चाहते कोई सुविधा मिल जाए? और कोई सरकार के छुए नहीं सुविधा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बनारसी लाल गुप्ता है। कहाँ से हैं आप? खलसा पट्टी। छप्पर में रहकर गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। जी हाँ, यूपी के जौनपुर जिले के खुटन क्षेत्र के कैराडी गांव निवासी कलावती के पास रहने के लिए आवास नहीं है। छप्पर में रहकर गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। बुजुर्ग को रहने के लिए छत नहीं है, सरकार का कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। शौचालय, बिजली कनेक्शन, गैस सरकार के खाते में उनके लिस्ट में है। इनका नाम गरीबी रेखा के नीचे दर्ज है। इनका अंत्योदय कार्ड भी बना हुआ है, इसके बाद भी इन्हें अनदेखा किया जा रहा है। देखिए खुटन से शिवसेंद्र यादव की रिपोर्ट। कैसे, क्या परेशानी है चाची आपको? क्या परेशानी, बहुत बात है। कुल छप्पर हमारा सब गिर रहा है और एक थे हमारे यहाँ कोई पक्का घर नहीं है, सब कच्चा है। बाल बच्चे लेकर रात बिरात हम लोग बाहर रहते हैं, सब गिरता है। अच्छा, बरसात में पानी भी चूता है उसमें से? हाँ, बहुत गिरत, आधा आधी बखरी हमारी गिर गई, कच्चा घर है। और थोड़ा सा रह गए यही बाल बच्चा लेकर निबाहत है। क्या नाम है आपका? कलावती। कहाँ से हैं? कैराडी। ये था अभी का कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।